22 वर्षीय युवती की हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच डीएलएफ द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी सिंहराज ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। गिरफ्तार आरोपी सिंहराज के रिमांड के दौरान पूछताछ में पता चला कि आरोपी एक सीरियल किलर है जो इससे पहले भी 3 नाबालिग लड़कियों की हत्या कर चुका है। देखिए पूरी खबर। रिया नाम की लड़की ओल्ड फरीदाबाद में एक अपने शॉपिंग करने के लिए आई थी और वो शॉपिंग करने के बाद अपने गांव भुपाणी जाना चाहती थी, लेकिन भुपाणी ना जाके उसका रिश्ते में एक चाचा लगता था। उस चाचा के पास उसने कॉल किया और वो चाचा सिंहराज उसके पास चली गई। जसाना गांव का वो रहने वाला है सिंहराज। तो सिंहराज ने उसको 2 दिन तक रखा और उसके बाद ये उसकी जो ना गलत काम करके हत्या करके और आगरा कैराल में उसको फेंक दिया था। 2 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी मिली। ये ओल्ड फरीदाबाद में गुमशुदगी का पर्चा दर्ज करवाया गया था, लेकिन जब डेड बॉडी मिलने के बाद इस पर 302 धारा और 201 लगाई गई और जो कॉल डिटेल के आधार पर सिंहराज को हमने अरेस्ट किया। और जो सीपी साहब ने श्री विकास अरोड़ा जी फरीदाबाद ने इसको अनिल CIA DLF को इसकी इन्वेस्टिगेशन हैंड ओवर की और तत्पर कार्रवाई करते हुए इसको सिंहराज को अरेस्ट किया गया। और सिंहराज अरेस्ट करने के बाद इसको 5 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया। पुलिस रिमांड के दौरान इसने बहुत बड़ी बड़ी बातों का खुलासा किया, जिसने बताया कि 2019 में एक रेडी वाला था, उसकी लड़की को बुला के इसने बलात्कार करके 15 साल की लड़की थी वो और आगरा कैनाल में फेंक दिया था। इसी तरह ये गार्ड की नौकरी करता है सिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। इसी तरह एक हॉस्पिटल में सफाई करने के लिए एक लड़की आती थी जो 15-16 साल की लड़की थी, उसके साथ भी इसने बलात्कार करके और आगरा कैनाल में फेंक दिया था। 2021 में भी जो लड़की सफाई करने आती थी उसकी एक फ्रेंड थी, उसको अपने किसी बहाने से अपने कमरे में बुलाया और बलात्कार करके और वो भी आगरा कैनाल में फेंक दिया था। और इसने अपने सगे चाचा का और भतीजा का भी मर्डर किया हुआ है, जो कि ये आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। लड़कियों के मामले में फर्स्ट टाइम ये गिरफ्तार किया गया है और ये किस्म से समझो एक सीरियल किलर की तरह ये काम करता था। इसको ये था कि भाई पुलिस पकड़ ही नहीं सकती तुम्हारे को, क्योंकि डेड बॉडी ये आगरा कैनाल में इस तरह फेंकता था कि भाई बॉडी रिकवर नहीं हो। तो ये बॉडियाँ जो 3-4 बॉडी जो इसने फेंकी हैं ये आज तक रिकवर नहीं हुई हैं। पुलिस तलाश कर रही है बॉडियों की, लेकिन इसकी निशानदेही के ऊपर और जो हॉस्पिटल में जैसी हुई थी उनके ऊपर ये इसकी करके अब हम इसकी अरेस्ट डाल रहे हैं और आगे से पुलिस रिमांड लेंगे इसका। सर जो पहले इसने मर्डर किए थे तो पता चला सर कौन कौन लोग थे और उनकी रिपोर्टें कहाँ कहाँ से दर्ज हुई थी? ये सेक्टर 17 पुलिस स्टेशन में तीनों जो लड़कियों के जो रेप के और मुकदमे दर्ज हैं, ये तीनों मुकदमे गुमशुदगी के दर्ज हैं। 346 IPC के FIR दर्ज हैं, लेकिन ये गिरफ्तार होने के बाद ये पता लगा कि भाई उनका तो रेप करके मर्डर कर दिया, अकेला ही ये इस तरह की वारदात को अंजाम देता था। और पूरी टीम को अब हमारे CP साहब ने श्री विकास अरोड़ा जी ने प्रत्येक हमारे पुलिस कर्मचारी को जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको 5,000 रुपये का इनाम दिया गया है। किसी तरह का हथियार इस्तेमाल करता था या ऐसी? ये सिर्फ गला दबा के हत्या करता था, हर बार एक ही जगह इस्तेमाल करता था, अलग अलग जगह ले जाता था। ये आगरा कैनाल में ही डेड बॉडी एक ही जगह फेंकता था, बलात्कार की जगह ये अपना इसका गार्ड की जो नौकरी करता है वो हॉस्पिटल में एक कमरा है इसका, उस कमरे में ये काम इस वारदात को अंजाम देता था। जो लड़की इसने ये रिया के घर पे, क्योंकि ऐसा था रिया ने लास्ट कॉल इसको किया था तो पुलिस इसको राउंड अप करने के लिए इसके घर पे दबिश दी थी, तब इसने उनके घर वालों को बताया कि भी पुलिस मेरे पीछे पड़ गई, अब वारदात का खुलासा हो गया है तो इस करके उसने बताया। सर सिटी हॉस्पिटल सेक्टर 16A में जॉब करता था, तो अभी तक हॉस्पिटल में कोई सर क्योंकि 3 वारदातें ऐसे कर चुका है तो सिटी हॉस्पिटल पर अभी तक कुछ? अभी जो भी कानूनी कार्रवाई होगी सिटी हॉस्पिटल पर बिल्कुल होगी, जो इस तरह की वारदात जिसके थ्रू ये गार्ड लगा था उस एजेंसी को भी वो किया जाएगा, देखते हैं जैसी कार्रवाई। उम्र कितनी है इसकी? इसकी उम्र 55 ईयर है। और कब से कर रहा है, पहली वारदात कब की थी? ये पहली वारदात जो लड़की की वारदात है 2019 में किया था, जिसमें ओल्ड फरीदाबाद में FIR लॉज है गुमशुदगी की। सर युवती का शव मिला था तो उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी, तो उसको लेकर क्या बोलते हैं कुछ बताया सर उसके बारे में? मतलब क्या बताया, इसमें कोई हथियार यूज किया हो या फिर? नहीं, ये हथियार नहीं करता था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो सारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन है, ये हथियार नहीं, ये सिर्फ गला दबा के ही मारता था लड़की। लेकिन सर युवती की आंखें निकली हुई थी वो जैसे 2 दिन के बाद इसने डेड बॉडी की तो अगले दिन वो
बॉडी हुई है तो उसके तो पोस्टमार्टम में पता लगेगा भाई कि कोई जानवर वगैरह था या क्या था। तो आरोपी के और जो युवती के पारिवारिक संबंध में क्या कुछ घर पे आना जाना था? हाँ, ये जसाना गांव का जो सिंहराज है इसका घर पे आना जाना था, इसीलिए लड़की इसके विश्वास में इसके घर पे गई थी, इसके पास गई थी।